Hi kids, today we are going to learn about ism sif. Unwan, ism sif. ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी इस्म की अच्छी या बुरी कैफियत को जाहिर करें. इस्म की अच्छी या बुरी कैफियत को जाहिर करें, जैसे तारीफ. एक दफा फिर देखते हैं इसमें सिर्फ कौन से अल्फाज होते हैं. वो अल्फाज जो किसी इस्म की अच्छी या बुरी कैफियत को जाहिर करे. अच्छी या बुरी से मुराद हम इस्म की अच्छाई या फिर बुराई भी कह सकते हैं, जैसे फरमाबरदार लड़का, बदतमीज बच्चा, ठंडा पानी, ऊंचा पहाड़, वगैरह. हमने यहाँ पे लिखा है फरमाबरदार लड़का, बदतमीज बच्चा, ठंडा पानी, ऊंचा पहाड़. अब इनमें से इसमें फरमाबरदार, बदतमीज, ठंडा, ऊंचा, ये अल्फाज इसमें सिफ्त हैं. मजीद समझने के लिए हम एक सरगर्मी करते हैं. मुनासिब अल्फाज की मदद से हम खाली जगह पूर करेंगे, जैसे कंबल डैश है, शेर एक डैश जानवर है, खाना बहुत डैश है, मेरी बहन बहुत डैश है, मारिया बहुत डैश लड़की है. हमारे पास यहां पांच जुमले हैं जिसे हमने मुनासिब इसमें सिर्फ के साथ पूर करना है. कंबल डैश है, कोई भी इसमें सिर्फ लगाएंगे, जैसे हम लिखते हैं कंबल नरमो मुलायम है, नरमो मुलायम है. शेर एक डैश जानवर है, शेर एक बहादुर जानवर है. नंबर थर्ड, खाना बहुत डैश है, खाना बहुत लजीज है, मेरी बहन बहुत डैश है, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है. मारिया बहुत डैश लड़की है, मारिया बहुत बद इखलाक लड़की है. इन जुमलों में हमने इस्म की अच्छाई या बुराई को बयान किया है. इसकी अच्छाई और बुराई इसमें सिफ्त कहलाती है. एक दफा इसको फिर हम देखते हैं. इसमें सिफ्त किसे कहते हैं? इस्म की अच्छी या बुरी कैफियत को जाहिर करे, यानी कि इस्म की अच्छाइयां या फिर उसकी बुराइयों को जाहिर करे, जैसे फरमाबरदार लड़का, बदतमीज बच्चा, ठंडा पानी, ऊंचा पहाड़. इनमें फरमाबरदार, बदतमीज, ठंडा, ऊंचा इसमें सिफ्त हैं. हम मजीद इसकी सरगर्मी को देखते हैं. हमने खाली जगह पूर की मुनासिब इसमें सिफ्त के साथ, जैसे पहला जुमला कंबल डैश है, नरम मुलायम है.
शेर एक डैश जानवर है, एक बहादुर जानवर है। नंबर तीन, खाना बहुत डैश है, लजीज है, हम मजेदार भी लिख सकते हैं। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है एक इसमें सिफ्त है। आप इसमें कोई भी इसमें सिर्फ मुनासिब इसमें सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। मारिया बहुत डैश लड़की है, बहुत बद इखलाक लड़की है, बदतमीज भी कह सकते हैं, खुश इखलाक भी कह सकते हैं, प्यारी भी कह सकते हैं। होप सो किड्स द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।